हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपकी एसक्यूएल की जितनी भी क्वेरीज है आपके सिंटैक्स अवेरा विद एग्जांपल एक्सप्लेन की जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी हेल्पफुल है आपके फॉर DSSB PGT TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सिंटैक्स नंबर 1 से। तो आपका सिंटैक्स है यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट में आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नेम, यहाँ पर आपका कस्टम वो है टेबल का नेम है। तो आप स्टार जो ये स्टार यहाँ पर जितने भी आपके टेबल में रिकॉर्ड है वो आपके डिस्प्ले करेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद आपका टेबल नेम आता है, तो जितने भी आपकी टेबल में रिकॉर्ड है वो सब आपका डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है आपकी द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट। द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। द डाटा रिटर्न इन सॉर्ट इन ए रिजल्ट टेबल कॉल्ड द रिजल्ट सेट। सिंटैक्स के जैसे आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है या पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है या कोई टेबल सेलेक्ट करनी है, तो आपके उसके लिए आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे, सेलेक्ट सिंटैक्स यूज करोगे। इसका सिंटैक्स क्या है आपका, सेलेक्ट कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, कॉलम जितने भी आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसका नेम दोगे। देन आपका टेबल नेम आएगा फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पर आपकी जो भी स्टूडेंट नेम जो भी टेबल का नेम है आपका वो आप टेबल नेम यहाँ पर डालोगे। नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल सेलेक्ट डेस्टिनेंट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है आपके जितने भी ये क्या रिटर्न करता है, ओनली जो डिफरेंट वैल्यू होती है आपकी वो आपको डिस्प्ले करता है। इसका सिंटैक्स क्या है आपका, सेलेक्ट डेस्टिनेंट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम। नेक्स्ट देखिए द एसक्यूएल वेयर क्लोज। वेयर क्लोज क्या होता है, फिल्टर करता है आपके रिकॉर्ड्स में से आप जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो कंडीशन से आपका डाटा को सिलेक्ट करके डिस्प्ले करता है। वेयर में आपका आप मल्टीपल कंडीशन लगाते हो कि आपको किस तरह से आपका डाटा चाहिए। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करते हो कॉलम एक या दो तीन कॉलम का नेम दोगे, फ्रॉम टेबल नेम टेबल का नेम दोगे, एंड वेयर लगा के इसमें पर्टिकुलर कंडीशन दोगे कि आपको कंडीशन में ग्रेटर देन सैलरी 20,000 चाहिए या आपको वही कॉलम डिस्प्ले करनी है जिन वही एम्प्लॉय के नेम डिस्प्ले करनी है जिनकी सैलरी लेस देन 10,000 है एक्सेट्रा। इस तरह से आप अपनी कंडीशन को लगा सकते हो। नेक्स्ट है आप एसक्यूएल एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर आप क्या होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, वेयर क्लोज कैन बी कंबाइंड विद एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। द एंड ऑपरेटर डिस्प्ले ए रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन सेपरेट बाई एंड आर ट्रू। द और ऑपरेटर डिस्प्ले ए रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाई और इज ट्रू। द नॉट ऑपरेटर डिस्प्ले ए रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। एंड सिंटैक्स का क्या सिंटैक्स है आपका, सिलेक्ट करना है आपको मल्टीपल कॉलम या सिंगल कॉलम आपको सिलेक्ट करने है, कॉलम का नेम देने है कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल का नेम देना है, वेयर आपको कंडीशन लगानी है वेयर में, एंड मतलब आपको सेकंड कंडीशन लगानी है तो एंड करके लगाओगे, फिर एंड करके थर्ड कंडीशन लगाओगे। और क्या करते हैं, या तो आपको ये कंडीशन लाइक करनी चाहिए या फिर ये कंडीशन लाइक करनी चाहिए या ये, तो और करके आप मल्टीपल कंडीशन दोगे। नोट में आप क्या करोगे कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वेयर नॉट लगा के वो कंडीशन का नेम दोगे। नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय क्या काम करता है, ये सॉर्ट करता है रिजल्ट को इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कि आपको असेंडिंग में रिकॉर्ड चाहिए या डिसेंडिंग में रिकॉर्ड चाहिए। ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज द DESC कीवर्ड।
ऑर्डर बाय सिंटेक्स में इसका सिंटेक्स क्या आपको सिलेक्ट करना है, कॉलम जो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में डिस्प्ले करवाने हैं, फ्रॉम टेबल नेम देना है, फिर आपको कीवर्ड यूज़ करना है ऑर्डर बाय, वेयर की जगह आपको ऑर्डर बाय करना है कॉलम वन कॉलम टू, और वो उसमें आपको डाटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ASC और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC करना है। नेक्स्ट सिंटेक्स है आपका द एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल। इंसर्ट इनटू सिंटेक्स क्या है आपका, इट इज़ पॉसिबल टू राइट द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इन टू वेज। फर्स्ट आपका स्पेसिफाई बोथ द कॉलम नेम एंड द वैल्यू टू बी इंसर्टिंग। जैसे आप टेबल में इंसर्ट करवाते हो वैल्यू, तो वहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम वन कॉलम, जितने भी आपके टेबल में कॉलम है वो सभी कॉलम, फिर आपको वैल्यूज लिख के VALUES है वैल्यूज लिख के वैल्यू वन वैल्यू टू जितने भी कॉलम है उन सब की कॉलम की आपको वैल्यू लिखोगे। तो क्या सिंटैक्स है इसका, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री एक्सेट्रा वैल्यूज लगा के आपको ब्रैकेट बंद करना है, फिर वैल्यू लगाओगे, फिर कॉलम वन कॉलम टू जितने भी आपकी वैल्यू है स्टूडेंट नेम स्टूडेंट का लास्ट नेम फादर नेम एक्सेट्रा तो आपको राइट कर देगा। सेकेंड है आपका, इफ यू आर एडिंग वैल्यू फॉर ऑल द कॉलम ऑफ द टेबल यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम इन द एसक्यूएल क्वेरी, मेक श्योर द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू इज इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम इन द टेबल। हियर द इंसर्ट इनटू सिंटेक्स कुड बी फॉलो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इसी वीडियो में इसकी एसक्यूएल स्टेटमेंट के एसक्यूएल क्वेरीज की नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू, जितने भी आपके जो भी बच्चे हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेरीज जितने भी आपकी बच्चे हैं।